Hello friends, welcome to back my channel Gudiya Multi Blog. Today I am here with my new video. Please like the video and subscribe my channel. You can also see my recipes. आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा पराठा बनाना बताऊंगी जो झटपट से बन जाएगा और खाने में तो बहुत टेस्टी होने वाला है. तो आप देखिए इसको, ये हमारे इंदौर में बहुत ज़्यादा फेमस है. तो इंदौर में जो लोग रहते हैं, जो प्रॉपर इंदौर से हैं, उनका तो ये फेवरेट नाश्ता है. तो वैसे तो मैं ग्वालियर की हूँ, लेकिन अभी यहाँ इंदौर 8-9 साल से रह रही हूँ, तो मैं भी ये सारी चीज़ों को मैंने खाया है, तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी है. तो क्यों ना मैं अपने ग्वालियर के लोगों के लिए इंदौरी जायका लेके आऊँ. तो इसलिए मैं आज आप लोगों को कुछ इंदौरी स्टाइल में सेव पराठा बनाना बताऊंगी. ये मैंने लिया है गेहूं का आटा. आप अपने अकॉर्डिंग गेहूं का आटा लेना है, आपको जितने पराठे बनाने हैं उस हिसाब से ले लें. मैंने डाल दिया है इसमें नमक और ऑयल. बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है हमको. मिक्स करने के बाद तो जैसे नॉर्मली पराठे का आटा हम पानी डाल के हल्का सा सॉफ्ट गूंथ लेते हैं, बस उसी तरीके से हमको अच्छे से इसको गूंथ लेना है. नॉर्मली जो हम पराठा बनाते हैं, अब आटे की कोई ज़्यादा वैसी प्रोसेस नहीं है, हर कोई जानता है, तो बस उसी तरीके से हमको बना लेना है. बस हमारा आटा मैंने गूंथ लिया है इस तरीके से हल्का सा, और इसको हम ढक के रख देंगे 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि थोड़ा सेट हो जाएगा. जब तक आटा हमारा सेट होगा तब तक हम उसके स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं. ये है इंदौरी सेव. मैंने इंदौरी सेव ले लिए हैं 1 कटोरी, और प्याज को बारीक काट लिया है, फ्रेश हरा धनिया. आप चाहें तो हरी मिर्ची डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है क्योंकि बच्चों को देना है, तो ये ऑलरेडी तीखा होता है इसलिए. तो बस इसमें मैं डाल दूंगी नमक, और आप ध्यान रखें क्योंकि सेव में भी नमक होता है. ये है धनिया पाउडर और थोड़ी सी मिर्ची डाल दूंगी मैं. आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले कम ज़्यादा कर लें. ये है अमचूर पाउडर डालने से थोड़ा खट्टा टेस्ट आएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा. आप चाहें तो थोड़ा लेमन भी डाल लें. ये है चाट मसाला डालने से इसका टेस्ट और अच्छा होने वाला है. तो बस इन सारी चीज़ों को पहले चम्मच से इस तरीके से मिक्स कर लेना है. फिर उसके बाद चम्मच से मिक्स करने के बाद हमको इसको हाथ से इस तरीके से दबा के मिक्स करना है कि जो हमारे ऑनियन का जो मॉइस्चर है वो हमारे सेव में लग जाए, तो थोड़े सेव सॉफ्ट हो जाए. तो जब हम इसकी स्टफिंग करेंगे तो ये थोड़े पराठे हमारे फटेंगे नहीं. तो बस हो गए हैं 15 मिनट. तो आटे को अच्छे से मसल लेना है, अच्छा इसको स्मूथ कर लेना है. तो अब आप ले लीजिए एक लोई मैंने ले ली है. आप जिस तरीके से आलू का पराठा भरते हैं, आपको जौन सी ट्रिक आती है, आप उस ट्रिक से भर सकते हैं. मैं आपको, या फिर जैसे मैं बना रही हूँ आप वैसे भी बना सकते हैं. तो नॉर्मल आप एक रोटी बेल लें, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली बेलेंगे तो सेव जब हम भरेंगे तो वो नीचे से फट जाएगी. तो नॉर्मल जैसे अपन आलू के ऊपर, हाँ बस इस तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाई. तो बस इसकी सेव की स्टफिंग लेंगे और इसको उस तरीके से रख देंगे. आप ज़्यादा ना भरें, क्योंकि ज़्यादा भरेंगे तो जब हम इसको बेलेंगे तो ये बीच से फट सकता है. आप अपने जो आपने आटे की लोई ली है उसके हिसाब से इसकी स्टफिंग को भर सकते हैं. तो जैसे मैं भर रही हूँ इस तरीके से, तो आप ऐसे देख लें, या फिर आपको जो तरीका आता है उस तरीके से भर लें. हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है, कस के प्रेस नहीं करना है, नहीं तो वो फट जाएगा. इसके अंदर एयर हो जाती है जब हम ये सारी चीज़ों को भरते हैं. तो बस धीरे धीरे इसको हल्के हाथों से हमको बेल लेना है. ये देखिए इस तरीके से मैं कितने हल्के हाथों से बेल रही हूँ, और अंदर इसकी एयर रहती है. तो पहले तो ये थोड़ा फूला रहता है, फिर इसको धीरे धीरे से बेलेंगे तो हल्की एयर निकल जाती है, तो वो नॉर्मली अच्छे से बेल जाता है. ये देखिए आपको दिख रहा है, सेव भी दिख रहे हैं, ऑनियन भी दिख रही. तो पराठा अच्छे से बेल गया है. मैंने रख दिया है गैस पे तवा था गर्म,
बस मैंने डाल दिया है अपना पराठा। इस पराठे को आप देसी घी बटर जिसके साथ बनाना चाहते हैं बना लीजिए, पर मैं देसी घी के साथ बना रही हूँ। देसी घी के साथ ये पराठा बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप बटर के साथ बनाएंगे तो ध्यान रखें, क्योंकि बटर में भी थोड़ा नमक होता है, तो नमक का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना पराठा, कुरकुरा, अच्छी खुशबू आ रही है। बस ऐसे दबा दबा के हमको पलट लेना है। इस तरीके से हमारा पराठा बनके रेडी हो गया है। ये झटपट से बनने वाली रेसिपी और खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए मैंने ले लिया दही। दही के साथ आप इसको बहुत अच्छे से खा सकते हैं। ये सॉस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना चटपटा है, आप किसी के साथ ना भी खाएं ऐसे ही खाएं तो भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घी का पराठा तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये हमारे गुन्नू है, इनको गुन्नू को भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहली बार वीडियो में खाते हुए आए हैं, वरना आते ही नहीं है। बोले मम्मा बहुत मजे आ रहे हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों को लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।